अमिताभ बच्चन का घर देखकर बेहद खुशी मिली होगी। शाम का वक्त है ये। दोस्तों, मैं रियाज इंडियन बॉलीवुड कॉमेडियन एक्टर, और आज हम मिलवा रहे हैं अपने पापा से, क्योंकि आए हैं मुंबई और हमारे साथ कई दिन रहे, बड़ा मज़ा आया। और खैर, हमारे पास भी थे, हमारे छोटे भाइयों के पास भी थे, तो कुछ दिन हमारे पास, कुछ दिन भाइयों के पास, जहाँ उनको अच्छा लगे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे पड़ोसियों से। हाँ दोस्तों, मैं रियाज इंडियन, आप जानते ही हैं, और इस वक्त हमारे साथ में हैं बहुत ही प्यारे इंसान, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे पड़ोसी भी कह सकते हैं, ये हैं विलास भाई। नमस्ते। सुबह हो शाम हो, चाय कॉफ़ी इन्हीं के साथ पीते हैं। और रिश्ता इंसानियत का, वो कहते हैं खून के रिश्ते से बढ़कर इंसानियत में रिश्ता होता है। सही है। तो सही बड़ा है, मज़ा आता है। सही है, सही। और जी हैं, और उनके मिसेज हैं, यानी हमारी भाभी जी, देखिए हमारे लिए चाय बना रही हैं। सोभा जी, हाँ, अरे ये देखिए, हाँ, मैं बोला यादगार के लिए मैं एक वीडियो बना लेता हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप बहुत अच्छे हैं, और आप भी बहुत अच्छे हैं, दूसरे को अच्छे लगते हैं ना। नहीं, तो हमारे पापा आपसे मिलकर बहुत खुश हैं, आप लोगों से मिलकर। तो मैं बोला चलो एक यादगार। जी जी जी, बहुत अच्छा। हाँ जी। तो और ये हैं इसी बेहतरीन खूबसूरत घर में हमारे पापा भी, लेकिन ये लाइटिंग गड़बड़ है, तो लाइटिंग की वजह से नहीं रहने दीजिए। हाँ, अब एक मिनट खड़े होना, एक मिनट खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, वो लाइटिंग गड़बड़ करेंगे, ऐसा हो। ये हैं हमारे पापा, नाम तो सुना ही होगा, रियाजुर रहमान, गांव बढ़नापुर, पोस्ट का है, बढ़नापुर, बड़ा पोस्ट बेलसर, तहसील है तहरबगंज, जिला गोंडा। और आप मुंबई आए हो, मुंबई में आप सबसे मिलकर कैसा लगा होगा, मज़ा आया? मज़ा आया। चलो तो ये है हमारे अब्बा, तो आप बैठिए, चाय कॉफ़ी लीजिए। भाई ट्रेन से क्यों, प्लेन से लेके जाते हैं? हाँ, मलाड से सांता क्रूज, हाँ सांता क्रूज एयरपोर्ट। ये कॉफ़ी है, विलास भाई के घर की कॉफ़ी है, बहुत प्यारी स्वादिष्ट कॉफ़ी है, सुबह शाम। तो मुझे लगता है अब्बा को हमारे रोज़ सुबह याद आएगी ये कॉफ़ी, है ना। और ये भाभी जी हैं जिन्होंने बना कर दिया है, बहुत अच्छी हैं। इसको रिच कॉफ़ी बोलते हैं, इसको हिच कॉफ़ी बोलते हैं, रिच कॉफ़ी। रजनीकांत, यस। तो विलास भाई के साथ आज कॉफ़ी हो गई, और भाभी जी कहाँ हैं मेरी? फोन, भाभी जी फ़ोन पर हैं, ये अच्छी बात है, लंदन से फोन आया है, बहुत दूर है, कनाडा से, बच्चे कनाडा से, वो सच में देखो कनाडा से फोन आया, कनाडा बच्चा है ना, ये देखो इधर बच्चा है। चलिए, तो विलास भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस यस यस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय सबको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा घर, हमारा मलाड़, मेरे साथ हमारे पापा। तो चलिए, एक दो जगह आज हम रास्ते में मुलाकात कराऊंगा, बच्चन साहब का पुराना बंगला और नया बंगला जहाँ अभिषेक बच्चन रहते हैं। मलाड़ सबवे ब्रिज के ऊपर लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन मुंबई की शान है। अगर मुंबई में लोकल ट्रेन बंद हो जाए तो समझ लो मुंबई बंद। मलाड़ वेस्ट, यहाँ बस मिलता है, ऑटो मिलता है, कार मिलता है, इंसान जो चाहे वो मिलता है। यहाँ से पकड़ेंगे हम ऑटो, यह है मुंबई का लोकल और ट्रैफिक। बिल्कुल पास में है इन ऑर्बिट मॉल, मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो मलाड़ पश्चिम।
इस मेट्रो में बैठेंगे। मेट्रो का नाम है मलाड़ पश्चिम मोतीलाल ओसवाल। इतना झमेला है देखो। चलिए आज अब्बा को मेट्रो का सफर कराएंगे। अब्बा यह है मेट्रो का टिकट। अब हम कहाँ किस में बैठेंगे? हम कहा इनके में बैठे। आओ चलो मेट्रो में बैठ। दोस्तों यह है मुंबई का मेट्रो। मेट्रो में कभी टोकन देते हैं, कभी कागज़ देते हैं। अगर एक हो जाए तो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमने अपने अब्बा को समझा दिया है, ठीक है। तो इस वक्त हम यहाँ से जा रहे हैं डीएन नगर। और त्यौहार बहुत जल्दी ठीक हो जाए तो त्यौहार गोड़ का टेंशन ना लो, अब ख़त्म होके इलाज होएगा। हाँ कहाँ जा तो टिकट वाली हो? हाँ यह है अंत मलाड़ पश्चिम मेट्रो। आ जाओ। ये मेट्रो आई है और हमें जाना है। यह है मलाड़ पश्चिम मेट्रो। जब खुले तब जाए वहाँ जाओ। ये है मेट्रो, मुंबई का मेट्रो। समझ में आया? तो दोस्तों ये है डीएन नगर रेलवे स्टेशन अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट में है। अब्बा आपको लोकल ट्रेन का सफर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इन्हें बताओ लोकल ट्रेन कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ मुंबई का लोकल ट्रेन है ये। अभी आपको आगे भी सफर दिखाता हूँ, आपको दिखाऊंगा अमिताभ बच्चन का घर, पुराना भी और नया भी, ठीक है। चलो दोस्तों अब हम जा रहे हैं। कहाँ गए अब्बा? कहाँ गए? यार हो आओ। ये अंधेरी वेस्ट डीएन नगर का सिग्नल है ये। कभी कभी मेट्रो में सीढ़ी होने के बाद भी पैदल उतरना पड़ता है। दोस्तों मुंबई की ट्रैफिक कभी ख़त्म नहीं होती। ये है मुंबई की ट्रैफिक। जो है उसका नाम है जलसा और नई का प्रतीक्षा। जो भी है दोनों में आपको रास्ते में दिखाऊंगा। इस वक्त मैं ऑटो से सफ़र कर रहा हूँ। मेरे पापा मेरे साथ में हैं दो दिनों के बाद। दोस्तों ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चौक है। ये देखिए सामने लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये चौक कहा जाता है।
दोस्तों इस जगह को जुहू विले पार्ले भी कह सकते हैं। जुहू एरिया है और 10 कदम पे ही अमिताभ बच्चन साहब का घर है, जहाँ अभिषेक बच्चन भी रहते हैं, ऐश्वर्या राय भी रहते हैं, जया बच्चन भी रहती हैं। इससे पहले हमने जो दिखाया था वो पुराना घर था अमिताभ बच्चन का, और ये नया घर है। ये जो आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब का घर है। ये जो ऊपर कुछ बन रहा है, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनके अगली वाली ही बिल्डिंग अमिताभ बच्चन साहब की। बस थोड़ा इंतज़ार करिए, जैसे ये थोड़ा आगे ऑटो जाएगा तैसे ही आपको अमिताभ बच्चन साहब का घर देखने को मिल जाएगा। इस वक्त ऑटो वाले के साथ साथ मेरे पापा भी हमारे साथ में हैं। अमिताभ बच्चन साहब का घर पापा को भी दिखा देते हैं आज। यहाँ हमेशा ट्रैफिक होती है और बुरी तरह ट्रैफिक होती है। बस 10 कदम पे ही अमिताभ बच्चन साहब का घर है। काफ़ी आसपास जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं ये अमिताभ बच्चन को देखने के ही चक्कर में कहीं रुक जाते हैं, कहीं चल देते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, कहीं ऑटो वाले पेट्रोल चेक करने लगते हैं, कभी मीटर चेक करने लगते हैं, किसी बहाने रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पार्किंग नहीं होती और बच्चन साहब हर वक्त तो घर से बाहर नहीं निकलते। दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब हर शनिवार को शाम को 5 बजे अपने गेट पर दर्शकों को अपना चेहरा दिखाने के लिए बाहर निकलते हैं, और मैं बहुत जल्द दिखा रहा हूँ वो जगह जहाँ से अमिताभ बच्चन साहब अपने चाहने वालों से रूबरू होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब का घर है। ये जो ऊपर कुछ बन रहा है, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनके अगली वाली ही बिल्डिंग अमिताभ बच्चन साहब की। बस थोड़ा इंतज़ार करिए, जैसे ये थोड़ा आगे ऑटो जाएगा तैसे ही आपको अमिताभ बच्चन साहब का घर देखने को मिल जाएगा। इस वक्त ऑटो वाले के साथ साथ मेरे पापा भी हमारे साथ में हैं। अमिताभ बच्चन साहब का घर पापा को भी दिखा देते हैं आज। यहाँ हमेशा ट्रैफिक होती है और बुरी तरह ट्रैफिक होती है। बस 10 कदम पे ही अमिताभ बच्चन साहब का घर है। काफ़ी आसपास जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं ये अमिताभ बच्चन को देखने के ही चक्कर में कहीं रुक जाते हैं, कहीं चल देते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, कहीं ऑटो वाले पेट्रोल चेक करने लगते हैं, कभी मीटर चेक करने लगते हैं, किसी बहाने रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पार्किंग नहीं होती और बच्चन साहब हर वक्त तो घर से बाहर नहीं निकलते। दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब हर शनिवार को शाम को 5 बजे अपने गेट पर दर्शकों को अपना चेहरा दिखाने के लिए बाहर निकलते हैं, और मैं बहुत जल्द दिखा रहा हूँ वो जगह जहाँ से अमिताभ बच्चन साहब अपने चाहने वालों से रूबरू होते हैं। बस बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। ये सामने जो वॉचमैन खैनी बना रहा है, चूना बना रहा है, तंबाकू खा रहा है, इसके बाजू वाली बिल्डिंग है जो हरा भरा गुलाब का पेड़ और वो खपड़ा देख रहे हैं आप, जैसे पुराना घर देखा आपने, पुराना घर था उसी तरह इनका यहाँ भी है। खपड़ा इनको बहुत पसंद है, इसी वजह से खपड़े के ऊपर छपरा टाइप का नए बिल्डिंग में भी इन्होंने बना रखा है। ये सामने गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ब्लैक कलर का ग्रिल है, 10-12 लोग उनके दरवाजे के सामने से अमिताभ बच्चन के सामने से बच्चे लोग गुजर रहे हैं। वो लकड़े का गेट है। बस थोड़ा कदम पर मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये है अमिताभ बच्चन साहब का गेट, ये अमिताभ बच्चन साहब के घर का गेट। ये देख सकते हैं आप, जूम करके मैंने दिखाया अमिताभ बच्चन साहब का। शनिवार को 5 बजे वो बाहर गेट पर आते हैं, एक टेबल पे खड़ा हो जाते हैं, और ये जो रास्ते पे आपको जो मैदान दिख रहा है ये पूरा भीड़ लगा रहता है यहाँ पर दोस्तों, ये पूरा भीड़ लगा रहता है। ये देखिए ऊपर से नीचे तक अमिताभ बच्चन का घर। ये वॉचमैन जो दिख रहा है, वॉचमैन अपने आप में किसी सुपरस्टार से कम नहीं होता,
क्योंकि जो भी अमिताभ बच्चन साहब के पास जानना चाहते हैं इन्हीं से, भैया भैया चाचा दादा बोल के इनसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, भैया कैसे मिलें, कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे। बड़ा एटीट्यूड में ये लोग बताते हैं, चलो हटो ऐसे मिलते हैं अमिताभ बच्चन साहब से, नहीं तो गौर से देखिए इतना क्लियर और इतना बेहतरीन। तो हम उनके दरवाजे पर खड़ा होकर भी नहीं बता सकते थे, आपको ये ऑटो में बैठ कर बता रहे हैं। ये है अमिताभ बच्चन का दूसरा घर, यानी पुराना घर आपको पीछे दिखा चुके हूँ, यह नया है। यहाँ पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय रहती हैं। अब्बा यह अमिताभ बच्चन का घर है, मतलब जो पीछे दिखा ना वहाँ अमिताभ बच्चन के, जया बच्चन का पुराना घर है, और यहाँ अभिषेक बच्चन रहते हैं और उनका लड़का और उनकी बहू ऐश्वर्या राय। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अमिताभ बच्चन का घर देखकर बेहद खुशी मिली होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में वाह वाह लिखिए, थैंक्स लिखिए, जो समझ में आए लिखिए। अभी सामने आपको दिखाता हूँ जू के सबसे बड़ा, इस वक्त जो सारे जितने भी बॉलीवुड के फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह फिल्म फेयर वगैरह जितना कुछ होता है, इसी रेस्टोरेंट में होता है, जिस होटल का नाम है JW Marriott। यह है जू का JW Marriott, ये बहुत बड़ा होटल है, ये देख रहे हैं आप, ये JW Marriott इस वक्त जू का सबसे बड़ा और सबसे महंगा होटल है। ये गेट है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है, बनता रहता है। ये देखिए लिखा हुआ है JW Marriott, बहुत बड़ा होटल है, सारे फिल्म स्टारों को कोई भी फंक्शन होता है तो इसी होटल में होता है, JW Marriott होटल। ये रास्ता जुहू चौपाटी को जाता है, ये जुहू एरिया जुहू में आता है। ये भीड़ देख रहे हैं आप, जुहू चौपाटी की भीड़ है, ये जुहू चौपाटी रमाडा प्लाजा होटल है, ये पॉपुलर होटल है। इस होटल को देखते ही लोगों को जुहू चौपाटी नज़र आ जाती है। इस होटल पे पार्किंग भी है, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ पर। शाम का वक्त है, ये लगभग 6 बज रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जुहू चौपाटी। यहाँ सेव पीढ़ी, भेलपूरी, रगड़ा पेटी सभी चटाई पर बैठकर खाते हैं। ये है जुहू चौपाटी, ऑटो के ट्रैफिक हमेशा रहती है, पब्लिक की ट्रैफिक हमेशा रहती है। देखिए समुंदर दूर से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। ये है जुहू चौपाटी। तो समंदर दिखाने के लिए तो मुझे उतरना पड़ेगा, फिर कभी दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पार्टी होगा? हाँ, ये जुहू चौपाटी है।